सो गाइस आज कैमरा टेस्ट करते हैं iPhone 15 वर्सेस Xiaomi 14 CB। अब देखो प्राइस थोड़ा डिफरेंट है, जिन लोगों का बजट जो है आपको सेम नहीं है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बजट टेस्ट करने में, तो यहाँ पर देखते हैं कि उनके लिए कैमरा के लिए ना कौन सा फोन बेस्ट होने वाला है, फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए, डे लाइट में, लो लाइट में, अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट होने वाला है, अगर आपको क्लिक करना है पोर्ट्रेट शॉट अच्छे खास, कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। तो आज मैं ना बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपके लिए कौन सा फोन बिल्कुल बेस्ट होने वाला है। तो ये जो कंपैरिजन है बिल्कुल प्राइस को देखते हुए, बिल्कुल यहाँ पर नहीं, प्राइस को यहाँ पर साइड में रखते हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हो आईफोन 15 में तो जो आपको क्वालिटी है वो कितनी बेटर निकल के आ पाती है। तो आईफोन के अंदर में जो मेन वाला सेंसर है वो आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 12 मेगापिक्सल की सेल्फी। सो यहाँ पर देखते हैं कि जो क्वालिटी है ना वो कितनी बेटर निकल के आती है। वेयर एज अगर Xiaomi की बात करेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप, मेन कैमरा विद OIS 50 मेगापिक्सल का, 50 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको 2x टेलीफोटो कैमरा एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट में सेल्फी है। यहाँ पर डुअल सेल्फी दोनों ही कैमरा है 32 मेगापिक्सल की। सो लेट्स सी की जो रिजल्ट है वो कितनी बेटर निकल के आती है। उससे पहले आपको को लाइक एंड फटाफट करो सब्सक्राइब। अगर कैमरा सेटिंग की बात करेंगे तो आपको देखो आईफोन मिलेगा 0.5 अल्ट्रा वाइड 1x एंड 2x, और यहाँ पर मिलेगा आपको 0.6x अल्ट्रा वाइड एंड 1x 2x 4x ये मिलेगा आपको मैनुअली जूम करने के लिए शॉर्टकट। एंड अगर आप यहाँ पोर्ट्रेट की बात करोगे यहाँ मिल जाएगा आपको 2x, लेकिन यह है टेलीफोटो कैमरा Xiaomi 14 CB के अंदर में, और यहाँ से आपको बहुत सारे फिल्टर भी मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्री, सोयली बोके एंड सॉफ्ट फोकस, ये सभी फिल्टर है आपको लाइका के। बाय द वे यहाँ पर मैं रखा हूँ स्टैंडर्ड पे। एंड आईफोन की अगर बात करेंगे तो पोर्ट्रेट के अंदर ये फोन भी जाएगा आपको 2x मोड पे, ये जो है आपको मिलता है 1x एंड ये 2x। तो 2x जो है ये आईफोन का ये है डिजिटल जूम, ऑप्टिकल नहीं है, ये आपको मिलेगा सेंसर क्रॉप करके। लेकिन देखते हैं कि जो क्वालिटी है ना वो 2x पे दोनों ही फोन की किसकी बेटर निकल के आती है। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है HDR मोड अनेबल है, मास्टर पोर्ट्रेट एंड लाइका के अंदर भी क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ना प्राइमरी कैमरा में देखोगे जो स्काई के जो कलर है आपको Xiaomi में थोड़ी सी क्लोज टू नेचुरल है, एंड स्काई थोड़ा बूस्ट करते हैं आईफोन, लेकिन जो ग्रीन टोन है यहाँ पर देखो दोनों फोन का थोड़ा नेचुरल है, पिक्चर तो अंडरस्पोज निकल के आईफोन की। अब यहाँ पर देखो अल्ट्रा वाइड में अगेन यहाँ पर स्काई के कलर आपको Xiaomi में थोड़े से बेटर मेंटेन्ड है, पिक्चर यहाँ पर दोनों ही फोन की अंडरस्पोज निकल के आई, ये वाला एरिया नोटिस करोगे आप, लेकिन रोड थोड़ा वेल स्पोज निकल के आईफोन के अंदर में। अब ये मैक्रो शॉट है 2x मोड पे दोनों फोन से, तो आईफोन के अंदर में फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड यहाँ पर दोनों ही वेलस्पोज निकल के आ रहे हैं। Xiaomi के अंदर में बैकग्राउंड थोड़ा यहाँ पर अंडरस्पोज निकल के आ रहा है, लेकिन जो डिटेल्स है मेन सब्जेक्ट पे आपको दोनों फोन की इनफ निकल के आ रही, कलर क्वालिटी भी थोड़ा बेटर मेंटेन है। अगेन यहाँ पर Xiaomi के अंदर में जो बैकग्राउंड है अंडरस्पोज निकल के आ रहे, वेयर एज आईफोन पे ना फोरग्राउंड एंड मेन ग्राउंड दोनों बैकग्राउंड जो है वेलस्पोज निकल के आते हैं। तो स्लाइट यहाँ पर पिक्चर दोनों फोन की अच्छी लगी, आईफोन थोड़ा बेटर कैप्चर की फोर हैंडलिंग। अब अगेंस्ट द स्लाइट में यहाँ पर देखोगे जो ये वाला एरिया है थोड़ा सा बेटर स्पोज निकल के आ रहा है Xiaomi के अंदर में, लेकिन स्काई में नोटिस करोगे यार जो सन के एक्चुअल शेप है ना वो आपको आईफोन ने मेंटेन किया, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ओवर है आईफोन के अंदर में। एंड अगेन यहाँ पर अल्ट्रा वाइड सैंपल में नोटिस करोगे आप जो ग्राउंड है ये वाला थोड़ा सा बेटर स्पोज कैप्चर किया है Xiaomi, स्काई भी थोड़ा सा बेटर मेंटेन कर लेता है, लेकिन अगेन जो सन का जो एक्चुअल शेप है वो जो कलर एक्यूरेसी है आईफोन की थोड़ी सी बेटर मेंटेन है। यहाँ पर देखो ये सन का जो एक्चुअल शेप है जो कलर है थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया आईफोन, वेयर एज Xiaomi के अंदर में सन थोड़ा सा ओवरस्पोज निकल के आ रहा है, ये वाला एरिया नोटिस करोगे आप तो थोड़ा बेटर कैप्चर किया आईफोन। ओके तो अब यहाँ से करते हैं एक बार जूम टेस्ट एंड देखते हैं कि मैक्सिमम जूम पे क्वालिटी किसकी बेटर निकल के आती है। तो सबसे पहले ये लेके जाएंगे 5x पे, तो ये है आईफोन का 5x एंड ये है Xiaomi का 5x। ओके एंड आईफोन जाएगा अप टू 10x तक, वेयर एज Xiaomi जाएगा आपको 20x तक, तो ये है Xiaomi का 10x। और ये है 20x। अब 5x में ना यहाँ पर डिटेल्स थोड़ा बेटर कैप्चर करता है Xiaomi, लेकिन देखो कलर थोड़े से बूस्ट करता है एंड कॉन्ट्रास्ट भी आपको थोड़े से ओवर देखने को लग रहा है, बिल्डिंग पे जो डिटेल्स थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है Xiaomi 14 CB। एंड 10x पे अगेन देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगेन डिटेल्स थोड़ा बेटर कैप्चर किया, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट आईफोन में थोड़े से नेचुरल निकल के आते, लेकिन जूम कैपेसिटी एंड क्वालिटी स्लाइटली यहाँ पर Xiaomi 14 CB का थोड़ा बेटर है। अब प्राइमरी कैमरा की यहाँ बात करेंगे, अगेन देखो स्क्रीन टोन वगैरह आपको दोनों फोन तो नेचुरल नहीं है, लेकिन Xiaomi के अंदर भी नोटिस करोगे आप थोड़े से क्लोज टू नेचुरल निकल के आते, कलर थोड़ा बूस्ट करता है Xiaomi बैकग्राउंड में ग्रीन टोन, स्काई थोड़ा नेचुरल कैप्चर किया है। अब देखो जूम करने के बाद जो डिटेल्स स्लाइटली दोनों फोन में इनफ है, लेकिन जो स्क्रीन टोन है आपको Xiaomi के अंदर में थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया, थोड़ा एप्लीकेशन कैप्चर किया, वेयर एज फेस थोड़ा अंडरस्पोज निकल के आईफोन के अंदर में। अब यहाँ पर जो हैंड के जो कलर है आपको Xiaomi के अंदर में थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया, नेचुरल तो नहीं है लेकिन थोड़ा बेटर कैप्चर किया, आईफोन की थोड़ी सी यहाँ पर कलर म्यूट आई एंड अंडरस्पोज भी निकल के आ रही है।
एंड अगेन ये वाले प्राइमरी कैमरा नोटिस करोगे आप, सामने की स्किन टोन थोड़ी सी बेटर कैप्चर किया है, आईफोन थोड़ा सा अंडरस्पोज निकल के आ रहा, चाहे वो मेन ग्राउंड हो चाहे फोरग्राउंड हो, यहाँ पर देखो हैंड भी थोड़े से आपको ब्लैक देखने को लग रहे हैं, तो स्किन टोन थोड़ा नेचुरल नहीं है। तो प्राइमरी कैमरा का जो ह्यूमन फोटोग्राफी है वो सामने की थोड़ी सी बेटर है। अब अल्ट्रा वाइड में यहाँ पर देखो जो रोड है वो आईफोन में थोड़ी सी बेटर स्पोज निकल के आ रही, स्वामी के अंदर में थोड़ी सी कॉन्ट्रास्ट ओवर देखने को लग रहे हैं, स्काई थोड़ी सी नेचुरल रखा है स्वामी 14CB स्काई कलर, लेकिन यहाँ पर देखो जूम करने के बाद जो फेस पे डिटेल से आपको स्वामी के थोड़ी सी बेटर मेंटेन्ड है, लेकिन स्किन टोन आईफोन का यहाँ पर थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया है एंड कॉन्ट्रास्ट आपको ओवर निकल के आ रहे हैं स्वामी 14CB के अंदर में। एंड यहाँ पर देखो जो डिटेल से स्लाइटली स्वामी 14CB के अंदर में बेटर मेंटेन्ड है, लेकिन कलर एक्यूरेसी यहाँ पर आईफोन का थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल है, वेयर स्वामी के अंदर में कॉन्ट्रास्ट ओवर निकल के आते हैं। एंड अगेन ये वाले अल्ट्रा वाइड में जो मेरा रोड है आपको वेल एक्सपोज निकल के आ रहे आईफोन 15 के अंदर में, देखो कलर कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपोजर बेटर मेंटेन किया आईफोन 15 एंड आपको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ओवर देखने को लगा है यहाँ पर स्वामी 14CB के अंदर में, स्काई आपको दोनों फोन में नेचुरल है। जूम करने के बाद देखो डिटेल्स तो आपको यहाँ पर दोनों फोन में इनफ निकल के आ रही, स्क्रीन टोन स्लाइटली आईफोन की थोड़ी सी बेटर कैप्चर कर लेता है, स्काई थोड़ा सा नेचुरल रखा है स्वामी 14CB। अब यहाँ पर देखो ये वाले एरिया में जो हैंड के जो एक्चुअल कलर आपको आईफोन ने मेंटेन किया, वेर स्वामी यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल किया, तो अल्ट्रा वाइड सैंपल जो है वो यहाँ पर मुझे आईफोन का थोड़ा बेटर लगा प्राइमरी कैमरा। बाय द वे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1080p 60fps पे, और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है आईफोन की स्लाइटली थोड़ी बेटर है फेस पे। यहाँ पर देखो डिटेल्स जो एक्सपोजर वैल्यू है वो आईफोन की थोड़ी बेटर रिकॉर्ड हो रही है, स्क्रीन टोन वगैरह थोड़ा बेटर कैप्चर कर रहा है आईफोन, क्लोज टू नेचुरल है। वेयर है स्वामी के अंदर में आपको और कॉन्ट्रास्ट एंड रेड टोन देखने को यहाँ पे लग रहे हैं। तो आईफोन का जो वीडियो क्वालिटी का लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसके तरह तो स्वामी बिल्कुल भी नहीं हो पाता। एंड यहाँ पर देखो अगर स्विच करेंगे लेंस का ना, ये है अल्ट्रा वाइड, ये भी है अल्ट्रा वाइड, दोनों ही फोन में स्विच कर सकते हो, लेकिन देखो स्काई में जो कलर है थोड़ा ज़्यादा बूस्ट कर रहा है आईफोन, ये है 2x एंड ये है 2x, तो 1x 0.5 to, तो आईफोन स्लाइटली बहुत स्मूथ स्विच हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर स्वामी के अंदर में जिटरिंग, ये है 2x, तो 2x के ऊपर में भी यहाँ पर थोड़ा सा आईफोन बेटर काम करता हुआ दिख रहा है। एंड बाय द वे आपको टेलीफोटो कैमरा मिलता है स्वामी के अंदर में। सो अब यहाँ से एक बार चेक करते हैं ऑटो फोकस वगैरह किसका ज़्यादा फास्ट है, और अपोजिट सनलाइट में यहाँ पर देखो तो जो नीचे जो दिख रहा है ना आपको ग्राउंड में जो ग्रास दिख रहा है उस पर जो एक्सपोजर वैल्यू है यहाँ पर वो आईफोन बेटर मेंटेन कर ले रहा है। स्काई तो आपको दोनों फोन में ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये जो ग्राउंड दिख रहा है ना ये यहाँ पर आईफोन एक्सपोजर थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है। और अब देखो यहाँ पर सनलाइट सामने से आ रही, तो वीडियो क्वालिटी जो है में डिटेल्स कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर वो स्लाइटली थोड़ा बेटर मेंटेन्ड है आईफोन के अंदर में। अब यहाँ से मैं एक बार चेक करता हूँ ऑटो फोकस किसका ज़्यादा फास्ट है, देखो ऑटो फोकस यहाँ पर देखो आईफोन का थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, ये देखो ये थोड़ा। अब यहाँ से मैं चेक करता हूँ एक बार स्टेबिलाइजेशन भागकर किसका बैटरी रिकॉर्ड होता है, दोनों ही फोन के अंदर आपको मिलता है OIS का सपोर्ट और अल्ट्रा स्टेबल मोड एंड एक्शन मोड दोनों ही फोन में यहाँ से अभी ऑफ है। तो ये है प्राइमरी कैमरा का पोर्ट्रेट शॉट 1x मोड पे। तो यहाँ पर देखो ये वाला कॉर्नर जो है स्लाइटली आईफोन ने बेटर स्पोज निकल के आ रहा, स्काई थोड़ा सा बूस्ट किया, स्काई कलर आपको एक्यूरेसी थोड़ा सा आईफोन का बेटर मेंटेन है, एक्सपोजर हैंडलिंग थोड़ा बेटर कैप्चर कर लेता है, स्वामी थोड़ा सा ओवर कॉन्ट्रास्ट पिक्चर क्लिक किया। जूम करने के बाद डिटेल्स आपको दोनों फोन में ना, फिर स्क्रीन टोन आपको दोनों फोन का नेचुरल नहीं है, सायोमी के अंदर में कॉन्ट्रास्ट ओवर देखने को लगा एंड जो फेस का एक्सपोजर है आईफोन में थोड़ी सी अंडरस्पोज निकल के आते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्वामी मुझे बेटर देखने को लगा। लेकिन यहाँ पर देखो जो मेरा टी शर्ट है आपको ओवर स्पोज निकल के आ रहे स्वामी 14CB के अंदर में, कलर भी थोड़ा बूस्ट करता है बैकग्राउंड में, वेयर एज आईफोन थोड़ा बेटर कैप्चर किया एक्सपोजर हैंडलिंग। लेकिन यहाँ पर देखो हैंड के जो एक्चुअल कलर है आपको यहाँ पर मुझे स्वामी का थोड़ा सा बेटर देखने को लगा, आईफोन के अंदर में जो कलर एक्यूरेसी है मेन ग्राउंड के थोड़ा सा म्यूट करता है, बैकग्राउंड थोड़ा सा वेल एक्सपोज लगता है। अब यह है 2x मोड पे आईफोन में मिलता है आपको डिजिटल, वेयर एज स्वामी के अंदर मिलता है आपको ऑप्टिकल। यहाँ पर देखो आईफोन की स्लाइटली स्किन टोन जो है थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है, क्लोज टू नेचुरल है, डेप्थ ऑफ फील्ड आपको स्वामी के अंदर में थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है। अब यहाँ पर देखो अगेन कॉन्ट्रास्ट आपको थोड़ा ओवर देखने को लगा यहाँ पर स्वामी 14CB के अंदर में,
एंड अगेन पोर्ट्रेट शॉट में डेप्थ फील्ड थोड़ा बेटर कैप्चर करता है Xiaomi 14cb बाय डिफॉल्ट अपर्चर पे। अब यहाँ पर देखो डिटेल्स तो आपको दोनों फोन में ही ना फिर, लेकिन स्किन टोन आपको यहाँ पर आईफोन का थोड़ा सा बेटर देखने को लगा है। Xiaomi थोड़ा सा ओवर कॉन्ट्रास्ट निकल के आ रहे, नेचुरल बिल्कुल भी देखने को नहीं लगते। यहाँ पर देखो अगेन दोनों फोन ने तो नेचुरल पिक्चर क्लिक नहीं किया ये वाले एरिया में डार्क कॉर्नर, लेकिन आईफोन में थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज टू नेचुरल देखने को लगा है। Xiaomi के अंदर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ओवर देखने को लगा है। एंड अगर यहाँ पर नोटिस करोगे आप ये वाले एरिया में भी अगेन जो स्लाइटली स्किन टोन वगैरह है Xiaomi की, यहाँ पर थोड़ी सी एप्लीजन कैप्चर करता है, तो पोर्ट्रेट शॉट में Xiaomi थोड़ा सा एप्लीजन कलर कॉन्ट्रास्ट कैप्चर कर लेता है, वेर एज यहाँ पर आईफोन थोड़ा सा नेचुरल साइड में लगता है। एंड अगर यहाँ पर नोटिस करोगे आप आईफोन की स्किन टोन थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा, कॉन्ट्रास्ट अगेन यहाँ पर ओवर देखने को लग रहे हैं Xiaomi 14cb के अंदर में। स्काई देखो यहाँ पर थोड़ा सा ओवर स्पोज निकल के आ रहे हैं Xiaomi के अंदर में। जूम करने के बाद देखो डिटेल्स तो आपको दोनों फोन में इनफ है, एज डायरेक्शन आपको दोनों फोन का बेटर मेंटेन्ड है, स्क्रीन टोन यहाँ पर थोड़ा सा आईफोन का मुझे बेटर देखने को लगा, Xiaomi के अंदर में थोड़ी सी रेड टोन निकल के आते हैं। अब यहाँ पर देखो जो एक पोजर हैंडलिंग आईफोन का थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है, Xiaomi के अंदर में जो मेरा टी शर्ट आपको ओवर स्पोज निकल के आ रहे, हैंड भी एक्चुअल कर कैप्चर किया Xiaomi, यहाँ पर आईफोन थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा। एंड लेकिन यहाँ पर अगेन जो मेरे ये वाले एरिया जो हैंड के जो एक्चुअल कलर कॉन्ट्रास्ट है, आपको दोनों फोन तो नेचुरल नहीं है लेकिन आईफोन थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज टू नेचुरल है। तो ये था मास्टर पोर्ट्रेट Xiaomi के अंदर में। अब ये है आपको लाइका वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, बहुत सारे फिल्टर भी मिलते हैं आपको लाइका के, तो यहाँ पर लाइका में डेप्थ ऑफ फील्ड बैकग्राउंड ब्लर आपको थोड़े से डीएसएलआर टाइप देखने को लगते हैं Xiaomi 14cb के अंदर में। तो आप फिल्टर वगैरह अप्लाई करके अच्छे खासे पोर्ट्रेट शॉट पर क्लिक कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आईफोन में कोई फिल्टर देखने को नहीं मिलता। जूम करने के बाद डिटेल्स आपको Xiaomi के अंदर में थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है, स्किन टोन वगैरह एज डायरेक्शन थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है, एंड स्किन टोन भी थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है आपको लाइका वाला फिल्टर अप्लाई करने के बाद। अब यहाँ पर देखो ये जो एज डायरेक्शन है ये वाला एरिया का ना चैलेंजिंग सिचुएशन में थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया Xiaomi, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा बूस्ट करता है, लेकिन पोर्ट्रेट शॉट के लिए मैं Xiaomi को पिक करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर लाइका वाला फिल्टर मिलता है आपको जो काफ़ी अच्छा पिक्चर क्लिक कर लेता है। पोर्ट्रेट शॉट में ना एप्लीजन स्किन टोन सबको ज़्यादा पसंद आते हैं, काफ़ी लोगों को नेचुरल स्किन टोन काफ़ी कम लोगों को पसंद आते हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपको पोर्ट्रेट सिनेमैटिक वीडियोस, एंड Xiaomi के अंदर में आपको ना बैकग्राउंड ब्लर थोड़े कम देखने को मिलता है यहाँ पर, लेकिन देखो स्क्रीन टोन वगैरह ए डायरेक्शन आपको थोड़ा स्ट्रगल करता है आईफोन, लेकिन यहाँ पर देखो डेप्थ फील्ड थोड़ा बेटर आईफोन के अंदर में, लेकिन टीशर्ट का जो एक्चुअल कलर आपको Xiaomi ने मेंटेन किया, आईफोन में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ओवर देखने को लग रहा है। यहाँ पर देखो बैकग्राउंड में ना कलर थोड़ा बूस्ट करता है आईफोन 15, यहाँ पर देखो स्क्रीन टोन थोड़ा सा बूस्ट करता है, स्क्रीन की जो फेस के कलर है थोड़े से रेड टोन देखने को लगते हैं, थोड़े से ओवर कॉन्ट्रास्ट निकल के आते हैं, वेराज आपको Xiaomi के अंदर में थोड़े से क्लोज टू नेचुरल है, नॉइज है थोड़ा Xiaomi 14cb के अंदर में, लेकिन यहाँ पर आईप्लीज स्क्रीन टोन कैप्चर कर लेता आईफोन, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो पोर्ट्रेट वीडियो है आईफोन के सिनेमेटिक वीडियो मुझे थोड़ा सा बेटर देखने को लग रहा है, लेकिन फेस पे जो डिटेल्स है आपको ना Xiaomi के अंदर में भी थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ओवर है अगेन आईफोन के अंदर में। बाय द वे Xiaomi के अंदर में आपको एक अलग से मिलता है मूवी मोड, जहां पर डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ा बेटर कैप्चर कर लेता है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p 60fps पे, एंड यहां पर दोनों ही फोन के अंदर आपको मिलता है 4K 60fps का ऑप्शन। तो यहां पर देखो जो टी शर्ट है आपको ओवर कॉन्ट्रास्ट ही आ रही है आईफोन के अंदर में, नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है फेस भी, आपको थोड़े से ओवर टेक्चर आने यानी जो शार्पनिंग है आपको थोड़े से ओवर देखने को लग रहे हैं, वेर एज Xiaomi के अंदर में टी शर्ट आपको ओवर स्पोज निकल के आ रहा है, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी स्क्रीन टोन है थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लग रहा है। एंड यहाँ पर देखो जो फेस पे जो डिटेल्स है बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर ब्लैक देखने को लग रहे हैं आईफोन के अंदर में, नेचुरल बिल्कुल भी देखने को नहीं लग रहा है Xiaomi के, यहाँ पर देखो बिल्कुल भी थोड़े से क्लोज टू नेचुरल है ओके। एंड जो टी शर्ट है थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है Xiaomi के अंदर में, लेकिन कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है, और अपोजिट सनलाइट में यहाँ पर देखो तो अपोजिट सनलाइट में जो लाइट कंट्रोल है वो आईफोन का थोड़ा सा बेटर है ओके। और अब यहाँ पर देखो जो लाइट है वो सामने से आ रही है, एंड दोनों फोन अभी रिकॉर्ड कर रहा है 1080p 60fps पे, तो एक्सपोजर मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक है यहाँ पर Xiaomi का, और आई होप कि इसको अपडेट के बाद फेस कर जाएगी। बाय द वे अब यहाँ पर एक भी अपडेट नहीं आया इस फोन के अंदर में, और एक बार यहाँ से मैं चेक करता हूँ, लेकिन Xiaomi के अंदर में देखो ये है मेन कैमरा एंड ये है 0.6 हो गया, ये 8 है, 0.6 0.8, ये 1x, और Xiaomi के अंदर में ये 2x मिल जाएगा आपको, ये देखो थोड़ा सा थ्रॉटलिंग कर रहा है, ये 1x 0.0, तो आपको मिलता है डुअल कैमरा, तो आराम से इसको स्विच भी कर सकते हो अगर आपको वाइडर व्यू कैप्चर करना है तो ग्रुप वगैरह वीडियो रिकॉर्ड करना है। और यहाँ से एक बार मैं चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन, अब सेल्फी यहाँ पर देखो दोनों फोन में नेचुरल नहीं है, Xiaomi के अंदर में जो मेरा टी शर्ट है आपको ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे, आईफोन के अंदर में जो टी शर्ट है जो फेस है जो बैकग्राउंड है आपको दोनों ही यहाँ पर अंडर एक्सपोज निकल के आ रहे, स्क्रीन टोन थोड़ा सा एप्लीजन कैप्चर किया Xiaomi।
अब यहाँ पर देखो अगेन स्किन टोन आपको आईफोन का थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल है, सामी में थोड़ा सा बूस्ट करता है। इसका देखो यहाँ पर थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया आईफोन, सेल्फी थोड़ी ओवरस्पोज निकल के आती सामी 14 CB के अंदर में। एंड अगर यहाँ पर देखो पोर्ट्रेट शॉट में डेप्थ फील्ड आपको सामी का थोड़ा सा बेटर मेंटेन्ड है, स्किन टोन वगैरह थोड़ा सा बेटर कैप्चर कर लेता है, नेचुरल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा आईपीजन कैप्चर कर लेता है, आईपीजन सेल्फी ज़्यादा लोगों को पसंद आती है। अब यहाँ पर देखो जूम करने के बाद डिटेल्स तो आपको दोनों फोन में इनफ है, लेकिन जो स्किन टोन है ना मुझे यहाँ पर सामी का थोड़ा सा मुझे बेटर देखने को लगा। एंड आईफोन में फेस थोड़ा सा अंडरस्पोज निकल के आ रहे, कलर कॉन्ट्रास्ट भी नेचुरल नहीं है। अब यहाँ पर देखो अपोजिट सनलाइट में डेप्थ ऑफ फील्ड अगेन यहाँ पर स्वामी का थोड़ा सा बेटर है, लेकिन स्वामी में मेरा टी शर्ट जो आपको ओवर एक्सपोज निकल के आ रहे स्काई के कलर थोड़े से बेटर कैप्चर कर लेता है आईफोन। अब सेल्फी यहाँ पर मुझे स्वामी 14 CB का थोड़ा बेटर देखने को लगा। अब देखो लो लाइट में नाइट मोड अनेबल करने के बाद दोनों फोन में जो सरफेस है आपको स्लाइटली बेटर एक्सपोज निकल के आ रहे दोनों फोन के अंदर में, कलर कॉन्ट्रास्ट भी आपको थोड़ा सा दोनों फोन ने बेटर कैप्चर किया। जूम करने के बाद देखो लाइट कंट्रोल जो टेक्स्ट के ऊपर मैंने वो आपको स्वामी 14 CB का थोड़ा सा बेटर है, वेट हैज आईफोन थोड़ा ओवर स्पोज निकल के आ रहे ग्लोइंग टेक्स्ट के अंदर में आर्टिफिशियल लाइट में, यहाँ पर स्वामी थोड़ा सा बेटर है। एंड अगेन यहाँ पर जो ये वाला एरिया है ना पीटर इंग्लैंड थोड़ा सा बेटर कैप्चर किया एक्सपोजर हैंडलिंग एंड कलर कॉन्ट्रास्ट स्वामी 14 CB, ये वाला एरिया आपको ओवर स्पोज निकल के आ रहे थोड़े से आईफोन 15 के अंदर में, डिफरेंस ज्यादा देखने को नहीं मिलता आपको दोनों फोन में। अब अगेन आर्टिफिशियल लाइट में यहाँ पर देखो जो सरफेस है ना आपको आईफोन में थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल है, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ओवर देखने को लगा स्वामी 14 CB के अंदर में, लेकिन एक्सपोजर हैंडलिंग यहाँ पर देखो जूम करने के बाद ये वाला जो एरिया है सामी का थोड़ा सा बेटर है, लेकिन यहाँ पर जो ग्लोइंग टेक्स्ट ये वाला रेड कलर आपको सामी ने मेंटेन किया, लेकिन उसका एक्सपोजर हैंडलिंग जो है आईफोन का थोड़ा सा बेटर है, आईफोन में टेक्स्ट रीडेबल है। अब यहाँ पर देखो फेस तो आपको दोनों फोन में बेटर एक्सपोज है, फेस थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल देखने को लगा आईफोन के अंदर में, लेकिन बैकग्राउंड में देखो टेक्स्ट का कलर जो है कलर कॉन्ट्रास्ट एक्सपोजर हैंडलिंग यहाँ पर सामी 14 CB का थोड़ा मुझे बेटर देखने को लगा। अब यहाँ पर देखो फेस दोनों फोन में ब्यूटीफाइड निकल के आ रहे, पोर्ट्रेट शॉट में डेप्थ ऑफ फील्ड बेटर कैप्चर किया सामी, फेस थोड़ा ओवर एक्सपोज निकल के सामी का, लेकिन देखो स्किन टोन वगैरह मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दोनों फोन का बेटर देखने को लगा है। अब यहाँ पर देखो अगेन जो स्किन टोन वगैरह है नाइट मोड अनेबल करने के बाद आईफोन का थोड़ा सा बेटर है, नाइट मोड थोड़ा फ्रंट कैमरा का स्वामी का स्ट्रगल करता है, स्किन टोन नेचुरल नहीं आते हैं, कलर कॉन्ट्रास्ट भी आपको नेचुरल देखने को नहीं मिलते हैं, तो फ्रंट कैमरा का लो लाइट आईफोन का बेटर है। अब आईफोन 15 का जो प्राइस है वो अभी निकल कर 65,000 में एंड आने वाले सेल में इसका प्राइस होगा अंडर 60 के, तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा एक कमी है बस वो 60Hz का पैनल है, बाकी का सब कुछ बेटर देखने को लगता है, सेल्फी थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था आईफोन 15 का, बाकी का सब कुछ सेम ही देखने को लगता है। अब अंडर 40 के ना सामी में मुझे एक चीज़ थोड़ी बेटर देखने को लगी कि 120Hz का पैनल मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है। अब लेकिन यहाँ पर जो है ना वीडियोस क्वालिटी में स्लाइटली आईफोन बेटर निकल के आता है, तो अगर सिर्फ कैमरा की बात करेंगे यहाँ पर तो अगर आप एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हो आईफोन के लिए तो आपको स्लाइटली वीडियोस क्वालिटी आपको बेटर देखने को लगी, चाहे वो लो लाइट हो चाहे वो डे लाइट में। तो ब्लॉगिंग करने के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, सोशल मीडिया के लिए यहाँ पर आईफोन 15 थोड़ा बेटर निकल के आता है। एंड फोटोग्राफी में यहाँ पर स्वामी थोड़ा सा बेटर है, खासकर पोर्ट्रेट शॉट में, सेल्फीज वगैरह में स्वामी थोड़ा सा बेटर है। तो ये था मेरा आज का पूरा एक ऑनेस्ट रिव्यू आप ठोको लाइक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है वीडियो को बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में, तो आप ठोकना एक लाइक बटन एक ट्रू एंड ऑनेस्ट कंटेंट के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।